आइए हम आपको वाइट चिकन कोरमा बनाना बताते हैं। ये देखिए, ये वाइट चिकन कोरमा है। इसको बनाना एकदम आसान है, कम मसालों का, एकदम टेस्टी। ये देखिए, हमने हाफ के जी चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो लिए हैं। और बघार के लिए देखिए खड़े मसाले हैं, दालचीनी के टुकड़े और दो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और आधा चम्मच काली मिर्च। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं तीन प्याज, बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज हमको लेना है, हरी मिर्ची 8-10 और 50 ग्राम काजू, इसका हमको पेस्ट बना लेना है। और दो प्याज हमने लिए हैं काट के, इसको हमने बारीक, इसको हमने फ्राई करके रखा। एक कटोरी दही है लेना है हमको, अभी हमने आधा कटोरी लिए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है और ये हमारे कस्तूरी मेथी है। आइए हम इसको अब, ये देखिए, अब आइए हम इसको मैरिनेट करते हैं। तो 1.5 चम्मच नमक डाल लेना है। ये देखिए, पहले सबसे पहले हमने इसमें नमक डाल लिए हैं और इसमें 2 चम्मच काली मिर्च डालना है। काली मिर्च पाउडर, आप काली मिर्च को पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसको डालना है। और ये दही डालना है, अभी हमने आधा कटोरी दही डाले हैं। इसको इसमें जो हमने प्याज तले हैं उसको भी डाल देना है। ये देखिए, आधा हमने इसमें प्याज डाल लिए हैं और आधा रख लेना है, बाद में डालना है। इसको अच्छे से मिला लिए हैं और मिलाने के बाद फिर बाकी जो दही है उसको भी डाल के अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसको आधा घंटे तक के मैरिनेट करके इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 20 मिनट तो रखना ही है। फिर एक कढ़ाई चढ़ाइए। ये देखिए, इसमें हमने 2 चम्मच तेल ले लिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद हमने जो प्याज और काजू हमको और हरी मिर्ची जो लिए हैं उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए, इसको हल्का हमको फ्राई करना है। प्याज है ये जो हमने लिए हैं, इसको हमको पेस्ट बनाना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। काजू हमने जो लिए हैं, ये देखिए 15-20 हमने काजू के ले लिए हैं और 8-10 हमारी हरी मिर्च है। इनको हमको हल्का सा भूंज लेना है, हल्का फ्राई करना है, जो सॉफ्ट हो जाए प्याज, इसमें सॉफ्ट हो जाए, हल्की नरम हो जाए, उसके बाद हमको इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही नरम रखना है। ये देखिए, इसको हल्का सा इसमें फ्राई कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, इसको निकाल के इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ठंडा होने पर इसका हमने फाइन पेस्ट बना लिए हैं, ये देखिए। और ये हमने अब कढ़ाई चढ़ाए, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच हमको तेल डालना है। और वो जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, 2 ठो हमारा बड़े इलायची है और छोटे इलायची 4 है, इसको हमारे को तेल में, गरम तेल में इसको डाल लेना है, इसका बघार करना है। ये देखिए, अच्छे से हल्का सा ये 1-2 सेकंड के लिए, उसके बाद हमको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। जो 2 चम्मच अदरक लहसुन हमने लिए हैं उसको हमको इसमें डाल देना है, है ना। और इसको थोड़ा सा अब भूंजना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरह से तेल में रिलीज़ हो जाए, अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाए। तब तक के लिए हमें इसको हल्का फ्राई करना है। और उसके बाद हमको, ये देखिए, इसमें हमको अच्छे से ये वो हो गया, उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखे थे उसको इसमें डाल लेना है। और उसको भी, ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको 5-10 मिनट तक के इसको पकाना है। ये देखिए, इसको अच्छे से बना लीजिए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको पकने दीजिए। ये इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको थोड़ा सा पकने दीजिए। ये देखिए, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में 5-10 मिनट तक के पकाना है। और उसके बाद, ये देखिए, हमने जो कस्तूरी मेथी लिए थे, कस्तूरी मेथी डाल देना है और इसमें फिर 2 चम्मच हमको काली मिर्च पाउडर भी डालना है। ये देखिए, ये हमको अच्छे से इसको पका लेना है, अच्छे से इसको भूनते रहिए। बहुत आसान, बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला। और जो हमने अभी फाइन
पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट को भी इसमें डाल के भूंज लेना है। ये देखिए जो हमने अभी पेस्ट बनाए थे प्याज और काजू और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको भी डाल लेना है और उसको भी अच्छे से भूंज लेना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको 10 से 15 मिनट तक के इसको भूनना है। ये देखिए अच्छे से इसको भूंज लीजिए और ये देखिए ढक्कन लगा के भी इसको हमने इसको 5-7 मिनट पका लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पक रहा है और ये देखिए लगभग सूखने पे आ गया है। ये देखिए उसके बाद जो हमारी जो हमने प्याज तल के रखे थे उसको आधी जो प्याज हमारी बची थी उसको भी डाल लेना है और उसके बाद इसको पकाना है। इस तरह से इसको आप वो प्याज डाल के भी इसको चलाते रहिए और उसके बाद इसको 5-7 मिनट तक के लो फ्लेम में। और फिर ये जो हमने मलाई निकाल के रखे हैं ये ताज़े दूध की मलाई है, आप क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको डाल लीजिए। ये देखिए हमने आधे कटोरी जो मलाई थी घर में दूध की ताज़ी मलाई उसको डाल के इसको ये देखिए एकदम फ्लेम लो कर लीजिए, धीमी फ्लेम में सिम में इसको थोड़ा सा पकाना है। फ्लेम लो कर लीजिए, इसको 5 मिनट तक के लो फ्लेम पर रहने दीजिए। ये देखिए एकदम टेस्टी। और उसके बाद हमको इसमें अगर आपके पास बटर है या तो फिर असली घी है 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए और इसको 2 सेकंड इसको होने दीजिए, इसका फ्लेम लो ही रखिए। और उसके बाद इसमें अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, हमको मतलब ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है इसलिए हमने सूखा रखे हैं। ये देखिए अब इसमें हरा धनिया डाल दिए हैं और ये देखिए शानदार हमारी वाइट चिकन कोरमा बनके रेडी है। आप भी इसको बनाइए और खाइए। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।